breathe in, breathe out. धीरे धीरे सांस अंदर लो, होल्ड करो, धीरे धीरे उसे बाहर आने दो, कंटिन्यू। जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ते हो और ज़्यादा गहराई में अंदर चले जाते हो। हल्की हल्की सांस लेते रहो, उसे होल्ड करो और उसे एक्सहेल करो। आपकी ऊर्जा को महसूस करो आपके दिल के अंदर, आपके हार्ट चक्र में अपनी ऊर्जा को महसूस करो। इमेजिन करो, अपनी मन की आंखों से देखो कि वो ऊर्जा आपके दिल से, आपके हार्ट चक्र से नीचे की ओर जा रही है, आपके मणिपुर स्वाधिष्ठान मूलधार घुटनों की तरफ, पैरों की तरफ, अर्थ स्टार चक्र, जमीन से होती हुई सारे बैरियर्स क्रॉस करके, सारी फ्लोर्स, जो कुछ भी है रास्ते में, आपका फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, बिस्तर, जहाँ भी बैठे हो, सबको चीरती हुई बिजली की कौंध की तरह जमीन में जा रही है, धरती माँ में प्रवेश कर रही है। और इस ऊर्जा की जड़ें बन रही हैं, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, गहरी होती 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 जा रही है। मिट्टी, पत्थर, पानी, जो भी आता है, हर चीज को पार करके नीचे जा रही है। रास्ते में बहुत सारे क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। धरती माँ की कोख से ताजी ऊर्जा के साथ शुद्ध होके ये ऊर्जा दोबारा इन्हीं जड़ों के द्वारा ऊपर आती है और आपके पैरों के तलवों से अर्थ स्टार चक्र को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके नीज, रूट चक्र, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, इसको क्रॉस करती हुई जाती है ऊपर आपके थ्रोट चक्र पे, विशुद्धि चक्र, आपके अजना चक्र, थर्ड आई, और आपके क्राउन चक्र पे। थर्ड आई पे फोकस करो, थर्ड आई पे फोकस करो। आपको क्या नजर आ रहा है? सांस पे ध्यान दो, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। बिजली की स्पीड से, जस्ट लाइक अ बोल्ट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, दिस एनर्जी गोज अप टू द क्रिएटर। इस आकाश को, अंतरिक्ष को, सौर मंडल को, मिल्की वे को क्रॉस करके, ब्रह्मांड के सारे सौर मंडल और मिल्की वे क्रॉस करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धरती की क्वारंटाइन को क्रॉस करके ऊपर क्रिएटर के पास जाती है और वहाँ हम क्रिएटर से रिक्वेस्ट करेंगे, डियर क्रिएटर, रचेता, क्या अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इट इज कमांडेड, कि आप जितने नाम मैं लूंगी इन सब लोगों को हीलिंग भेजें, जिस भी वजह के लिए उन्हें चाहिए हो, और वो अगर रिसीव करते हैं
जिस भी वजह के लिए रिसीव करते हैं अपनी मर्जी से, राजीव रचना ज्योति मनसुख भाई पवित्र सिज्जल मैं रितिका थापर अशु अरोरा परमजीत सिंह दर्शनी देवी दिनेश चौहान निरंजना अश्विका प्रसिष्ठ गुरदीप जी तेजिंदर कौर परलीन प्रदीप सिमहर रंजना वर्मा पूजा श्रीवास्तव सुनीता श्रीवास्तव आरव मिश्रा मालती देवी जशरथ स्नेहविर बर्नाली शर्मा एकनूर किरत ब्रजेश कुमार चरणजीत सिंह ममता शर्मा जी के सारे पेशेंट्स अनंत कृष्णा अर्जुन कविता बलदेव सिंह कुसुम अनीशा आरव मुनेश वर्मा माही वर्मा दीपा मैकलिस्टर गिरिजानाथ बिपिन चंद्रनाथ नैश हर्षद भाई पोपट दिव्य ज्योति कृष्ण चदारन मोना सोनू वैशाली पटेल दलसुख भाई लखानी रत्ना राहुल आनंद रणवीर सिंह सपना उसका बेटा और वो सारे बच्चे जो किडनैप हुए हैं अब तक दुनिया भर में, उन सबको हीलिंग भेजिए। अब आप देखेंगे कि अपनी मन की आंखों से ईश्वर की तरफ से इट इज़ डन थैंक यू ईश्वर की तरफ से बहुत सारा प्रकाश, सफ़ेद रंग का प्रकाश, उसके अंदर इंद्रधनुषी रंग, इन सब को ये दुनिया के जिस कोने में है, जहाँ पर भी हैं, ज़मीन से ऊपर ज़मीन से नीचे कहीं पर भी, चाहे किसी बेसमेंट में है या खुड में है या घर में है या बाहर है, इन सब की तरफ ईश्वर को तो पता है ना वो कहाँ है, तो ईश्वर अपनी रोशनी उन सब की तरफ भेज रहा है, उन सब को अपनी रोशनी में नहला रहा है, वो रोशनी उनके अंदर उनकी मर्जी से उनके अंदर समा रही है पूरी तरह से, उनके शरीर के कण कण में समा रही है, दिल दिमाग नसें मांसपेशियां हड्डियां, और उन्हें बाहर से भी कवर कर रही है, पूरी तरह से कवर कर रही है। इसके अलावा ईश्वर की तरफ से गोल्डन लाइट आती है, गोल्डन लाइट, और उन सभी बच्चों का कवच बन जाती है जो किडनैप हुए हैं दुनिया भर में, इस तरह से कि कोई चाहकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उन्हें छू नहीं सकता। इसे अपनी मन की आंखों से होते हुए देखो, देखो कि वो सभी लोग जिनके हमने नाम लिए वो सभी ठीक है। वो सभी ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए हैं। वो रोशनी उन सब के अंदर जाके उन्हें पूरी तरह से ठीक कर रही है, और वो रोशनी उन सब बच्चों के दिल से उनका डर मिटा रही है, उन्हें हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है, समझदारी दे रही है कि उन हालात से कैसे बच के निकलना है। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है, हे माँ, तू माँ है, सारी दुनिया की माँ है, तो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर कैसे कर सकती है? उन सब बच्चों को अपनी माँ की ज़रूरत है, और उन माओं को अपने बच्चों की ज़रूरत है। उन बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उनकी रक्षा कर और उन्हें अपने घर सही सलामत वापस पहुँचा।
वो बच्चे जहां कहीं भी हैं, सुरक्षित हैं और अब उनमें ऐसी समझदारी और ताकत हमारा ईश्वर देगा, उसके दूत, उसके एंजल्स देंगे, हमारे असेंडेड मास्टर्स देंगे, चाहे वो बुद्धा हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, गुरु, जिस भी गुरु को आप मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं। ये सब उन बच्चों की रक्षा करेंगे और उन्हें वहां से बच निकलने का रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप ईश्वर के इस रोशनी को रुक जाते हुए देखेंगे। ये रोशनी रुक चुकी है, अपनी सांस पर फोकस करो। अपनी तीसरी आंख पर फोकस करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप अपनी तीसरी आंख पर, अपने अजना चक्र पर फोकस करते हैं, तो वहां आपको एक छोटा सा रोशनी का बिंदु दिखता है, उसके ऊपर फोकस करो। क्या वो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, उस बिंदु पर फोकस करो। उसके आसपास देखो क्या है। वो रोशनी का बिंदु धीरे 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 बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अब अचानक वो रोशनी सिमटने लगी है, सिमटने लगी है, सिमटने लगी है, छोटी होने लगी है, और छोटी, और छोटी, और छोटी, और छोटी, और अंधकार दिखता है, चारों तरफ अंधकार, जैसे आप अंधेरी गुफा में जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, एक अंधेरी गुफा में, दूर, बहुत दूर। अब दूर जहां आप देखेंगे तो अंधेरी गुफा के उस तरफ बहुत दूर आपको एक छोटी सी रोशनी नजर आएगी, जैसे कि एक दरवाजा हो। आप उस दरवाजे से नीचे उतरेंगे, दरवाजे को खोल के उसके भीतर जाएंगे। वहां पर आपको सीढ़ियां नजर आएंगी नीचे जाती हुई, 20 सीढ़ियां। वो दरवाजा किस चीज का बना हुआ था? उसे आपने छुआ, उसे खोला, उसके उस तरफ जब आप गए तो आप
आपने सामने जो सीढ़ियां देखी, वो सीढ़ियां किस चीज की बनी हुई हैं? देखो उन्हें, सीढ़ियों के साइड में जो बैनिस्टर है, जो रेलिंग है, उसको पकड़ो। किस चीज का बना है वो? उसे छुओ, उसे महसूस करो। ठंडा है, गर्म है, नरम है, सख्त है, कैसा है? आसपास आपको सिर्फ सुंदर से सफेद बादल दिखते हैं, सीढ़ियों के अलावा पहले काले, उसके बाद थोड़े से ग्रे, फिर थोड़े और लाइट ग्रे, फिर थोड़े और लाइट ग्रे, फिर सफेद और सफेद और सफेद, दूर तक सफेद। अब आप सीढ़ियां उतरना शुरू करोगे। एक, पहली सीढ़ी पे आपने पैर रखा, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर आपके दोनों तरफ दो दरवाजे हैं। एक लंबा सा बड़ा सा हॉल है, कॉरिडोर जैसा, पैसेज जैसा। राइट में एक दरवाजा है, लेफ्ट में एक दरवाजा है। राइट का जो दरवाजा है वो गोल्डन कलर का है। उस तरफ बढ़ो, आगे चलो और आगे। राइट के दरवाजे को पकड़ो, उसके हैंडल को घुमाओ और कमरे के अंदर जाओ। बड़ा सारा कमरा है, उसकी दीवार पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। एक बड़ी सी खिड़की है जहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, फूलों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, बहुत सारी तितलियां अंदर आ रही हैं। जब आप दीवार की तरफ देखते हो तो आपका बचपन का सबसे प्यारा लम्हा, उसकी तस्वीर दिखती है। आपकी माँ के साथ, आपके फादर के साथ, आपके भाई बहन दोस्त जिनके साथ थी, आपका जिंदगी का सबसे प्यारा लम्हा, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं। उन सब तस्वीरों को देखो, याद करो। और अपनी सबसे चहेती याद बचपन की, जब आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिली थी, जब आप बहुत खुश हुए थे, इतने खुश कि आज भी उसे याद करते हो तो होठों पे मुस्कान होती है। उस लम्हे को याद करो, उसे देखो, अपनी आंखों के सामने उसे दोबारा जियो, जियो उसे। बचपन के वो सारे दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, जितने भी लोग थे, वो जो भी लोग थे, कोई बाहर का था, कोई रिश्तेदार होगा,
क्या हो रहा था उस वक्त, कैसा महसूस किया था आपने, क्यों महसूस किया था, कौन कौन थे आसपास, कौन क्या कह रहा है? क्या कर रहे हो आप? कौन सी चीज है जो आपको ऐसा मजा देती है? उस पल को जी भर के जियो, जी भर के जियो। अगर बहुत सारे ऐसे पल हैं तो जो भी एक पल आपका मन करता है उस पल को अपनी जिंदगी के चुनो और उसे जी भर के जियो। वो सब लोग जो उस पल में आपके साथ हैं उनके पास जाओ, उन्हें कस के गले लगाओ और उनसे कहो कि आपके लिए वो कितने प्यारे हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो और उन्होंने आपको कितनी सारी खुशियां दी हैं। कोई भी हो सकते हैं वो, जी भर के हंसो। उन सबको अपना प्यार देने के बाद उन्हें अलविदा कहो। ईश्वर का शुक्र अदा करो, मैं खुश हूं, थैंक यू गॉड, शुक्र है तेरा, तूने बहुत दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत सुख दिए, इतनी ताजी हवा दी, इतने सुंदर फूल दिए, इतने अच्छे लोग दिए, इतनी रंग बिरंगी तितलियां दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब उस दरवाजे के पास वापस जाओ, उसे खोलो और पैसेज में वापस आ जाओ। सामने आपके एक सिल्वर कलर का दरवाजा है, सिल्वरी वाइट, थोड़ा सा पर्ली वाइट जैसे होता है, थोड़ा सफेद, थोड़ा चमकदार, चांदी जैसा चमकता हुआ। इसकी तरफ बढ़ो, उसका हैंडल पकड़ो और उसे खोलो, अंदर जाओ। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कमरा है। उस कमरे के बीच में एक टेबल रखा है। किस चीज का बना है वो टेबल? बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा लकड़ी का टेबल है और एक बड़ी सी कुर्सी रखी है उधर, बहुत ही प्यारी। कमरे में दो तरफ दो खिड़कियां हैं, एक में आपको कुछ बादल दिखते हैं, हवाएं चल रही हैं। दूसरे से बाहर अगर झांको तो एक छोटी सी नदी बह रही है जिसकी आवाज आपके कानों तक आ रही है। अब आप कुर्सी पर आके बैठ जाओ। कुर्सी पे बैठ के आप देखते हो टेबल के ऊपर एक कागज, एक पैड पड़ा है, पेपर पैड लिखने के लिए, नोट पैड, और एक
गोल्डन कलर का पेन रखा है जिसके अंदर इंक ब्लैक कलर की है। अब आप वो पेन उठाएंगे और पेन उठाकर आप उस पेपर पे लिखेंगे एक खत। वो खत लिखेंगे आप उस इंसान को या उन लोगों को या अपने माँ बाप को या अपने जिस भी इंसान को जिसने आपको जिंदगी में डराया, धमकाया, नीचा दिखाया, इतनी बुरी तरह से डांटा कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे, ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो जितने भी लोग हों, सबके नाम लिखो इस खत में, चाहे वो अलग अलग लोग हों, जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे अलग अलग लोग जिन्होंने आपको बेहद दुख पहुंचाया, उन सबके नाम लिखो और हर नाम का जो इंसिडेंट आपको याद आता है, जो बात याद आती है कि इस इंसान ने मुझे इस उम्र में ऐसा कहा और मुझे दुख दिया या मुझे डराया या जो कुछ भी किया, अगर उसने फिजिकल अब्यूज़ किया हो तो वो भी लिखो, सेक्सुअल अब्यूज़ किया हो तो वो भी, उस इंसान का नाम भी लिखो, सब कुछ सबके नाम लिखो उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अगर आपको लगता है कि आपकी माँ से आपकी कोई नाराज़गी है, उसने बचपन में कुछ ऐसा किया जो आप आज तक नहीं भूले, सबसे पहले वो लिखो। फिर आपके पिता से अगर आपकी कोई नाराज़गी है, कभी कोई ऐसा किस्सा जब आपको बहुत दुख हुआ हो उनकी वजह से, वो लिखो। उसके बाद बाकी सब लोगों के नाम मैं आपको दो तीन मिनट देती हूँ, आप लिखो। आई विल गिव यू द टाइम, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल दो उस पेपर पे, जिसको जो लिखना है लिखो, पूरी भड़ास निकाल दो, डोंट होल्ड इट। बचपन से लेके आज तक आपके दिल में जो भी चुभता रहा, वो सारे कांटे उस पेपर पे निकाल दो। भाई, बहन, फर्स्ट बॉयफ्रेंड, फर्स्ट गर्लफ्रेंड, जिनके नाम लिखते हैं लिखो, वो सारे रिश्तेदार जिन्होंने बेवजह बदनाम किया, मारा, दुख दिया, डराया, धमकाया, नीचा दिखाया,
वो सारे रिश्तेदार जिन्होंने आपको रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, जिन्हों अगर किसी ने आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, पूरा लिखो उस पर, पूरी भड़ास निकाल दो। जितना बुरा भला कहना है उनको सब कह डालो। अगर आपके मन में किसी वजह से डर बैठ गया हो, वो वजह भी लिखो। बचपन में क्या डर बैठ गया आपके दिल में, किसने बिठाया? कोई गिल्ट हो जो किसी ने आपके दिल में डाल दी, कोई रिग्रेट हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए था। हर इंसान से गलती होती है, तो क्या हो गया? खुद को इतना बुरा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर गिल्ट, हर रिग्रेट लिख दो उस पर। टेक योर टाइम। अगर रोना आए तो रो लो। अगर भगवान से नाराज हो कि बचपन में कोई ऐसा हादसा हुआ जिसके लिए कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान जिम्मेदार समझते हो आप, उसका भी नाम लिखो, उसको भी लिखो। लिखते जाओ, जितने पन्ने भरने हैं भरते जाओ। हर एक के नाम एक खत। वो हर बात जिस जो आपके मन में आज तक चुभती है, सब लिखो। न पेपर खत्म होगा, न स्याही खत्म होगी। अगर लिख लिया हो तो उसके नीचे आखिर में आप लिखोगे,
मैं आप सबको माफ करती हूँ। आई रिलीज यू फ्रॉम माई एनर्जी एंड माई ऑरा। आई रिलीज यू फ्रॉम माई मेमोरीज। मैं अपनी याददाश्त से आप सबको निकालती हूँ, अपनी जिंदगी से आप सबको निकालती हूँ, इन सारे हादसों को निकालती हूँ और मैं आप सबको माफ करती हूँ। आपके पास वहाँ टेबल पर एक बाल्टी रखी है टेबल के नीचे। उस बाल्टी के अंदर वो सारे पेपर्स जो आपने लिखे हैं उन्हें गुस्से से फाड़ के उस बाल्टी में डाल दो। टेबल के ऊपर दो तीन जग पड़े हैं जिनमें हरे रंग का पानी है। वो असल में पानी नहीं है, वो हरे रंग की रोशनी है। उस पानी को उस बाल्टी में डाल दो ताकि वो पेपर्स पूरी तरह से भीग जाएं। एक डालो, दूसरा डालो, तीसरा भी डालो। अब उस कुर्सी से उठो। उस बाल्टी को उठाओ। कमरे के पीछे एक दरवाजा है। दो तरफ दो खिड़कियां थी, पीछे की तरफ एक दरवाजा है, काले रंग का दरवाजा। उसे खोलो और बाहर निकलो। आपके लेफ्ट साइड में जो नदी चल रही थी, लेफ्ट साइड की खिड़की से आपको नदी दिखी थी, उस नदी की तरफ आप जाओ। जब आप आगे जाते हो तो आप देखते हो कि नदी आगे जाकर अंतरिक्ष में विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, जैसे कि अंधकार में, अंतरिक्ष में गायब हो रही हो। आप वो बाल्टी के अंदर जो पेपर, पानी, जो कुछ भी है, बाल्टी के समेत नदी में फेंक देते हो। बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है और गायब हो जाता है। वो नदी दूर नीचे शायद किसी झरने की तरह अंतरिक्ष में गायब हो रही है और साथ में वो पेपर भी गायब हो गए। उस हरे रंग के पानी ने, उस रोशनी ने उन सारी यादों को हील किया और आपकी याददाश्त से हमेशा के लिए गायब हो गए ये सारी दुख भरी यादें। आपकी याददाश्त से हमेशा के लिए गायब हो गई ये सारी दुख भरी यादें। आपको अब दोबारा कभी लौट कर दुख देने के लिए नहीं आएंगी। आप इन सब चीज़ों को भूल जाओगे, उन सब लोगों को माफ करके जिनकी वजह से आपके दिल में दुख होता है, उन सब लोगों को माफ़ करके जिनकी वजह से आपके दिल में दुख होता है, उन सब लोगों को अपने लिए माफ़ करना है आपको, ताकि आपके दिल में अंगारे ना जलें। उन सब को माफ़ करके उन सब को भूल जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से कुछ अपने हैं तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा करके आप वापस आओगे, और जब आप वापस आओगे और दरवाज़ा खोल के कमरे में आओगे, तो कमरे से टेबल कुर्सी गायब हो चुकी है। कमरे में आपको आप मिलेगा, आपका बचपन। जब आप छोटे थे तो कैसे दिखते थे? 5-6 साल के, 8 साल के, शायद 10 या 12 साल, जो भी आपके ध्यान में आता है। कैसे दिखते थे आप? कैसे कपड़े पहनते थे? कैसे बाल थे आपके? उस बचपन वाले आपको आप कमरे में खड़ा हुआ पाते हो। आपका वो बचपन बहुत रोया, बहुत डरा, बहुत अकेलापन महसूस किया। आगे बढ़ो, नीचे बैठो और अपने उस बचपन को कस के सीने से लगा लो, उसे जी भर के प्यार दो, उसे चूमो, उसके सर पे हाथ फेरो, उसे कहो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। मैं हूं ना, कोई हो ना हो, मैं हूं और मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। किसी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं और मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुमसे प्यार करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुमसे बेहद प्यार करूंगी। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, हमेशा करती रही। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अब तक शायद मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे दुख को नहीं समझा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हें जिंदगी की भाग दौड़ में भूल गया तो मुझे माफ कर दो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं हूं साथ और हर समय तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा, हर समय, हर पल। तुम्हें जब भी डर लगे, जब भी अकेलापन महसूस हो, जब भी दुख हो, सीधे मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें कस के गले लगाऊंगा, ऐसे उसे गले लगाओ, उसे प्यार करो, उसे हौसला दो। से जो बातें करनी है, जो भी कहना चाहो, समझाना चाहो, समझाओ। मैं तुम्हारी ताकत हूं और तुम मेरी ताकत हो। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, हमेशा 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 के लिए। अब आप दोनों, आप और आपका बचपन, हमेशा सिर्फ सुख देखोगे, सुख पाओगे, खुश रहोगे। आप और आपका बचपन हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। अब जब आप उसे गले लगाते हो, धीरे धीरे
धीरे धीरे वो आपके अंदर समाता जाता है, आपके हार्ट चक्र में धीरे 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 आपके साथ एक हो जाता है, समा जाता है आपके अंदर पूरी तरह से। अब आप और वो एक हो, बिल्कुल एक। आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो, आपके अंदर पूरी तरह से समा चुका है और उसके आपके अंदर समाने से आपको एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, खुशी का एहसास होता है, संपन्नता महसूस होती है, जैसे आप कंटेंट हो, आप खुश हो। वहां से उठो, पूरे स्वाभिमान और आत्मबल के साथ उस सिल्वर कलर के दरवाजे की तरफ बढ़ो, उसे खोलो, बाहर निकलो, दरवाजे को बंद करो, सीढ़ियों की तरफ बढ़ो। चाहो तो एक बार फिर मुड़ के उन दोनों दरवाजों की तरफ देख लो, पहले सिल्वर कलर, उसे अलविदा कहो हमेशा के लिए, और फिर गोल्डन कलर। होठों पर मुस्कान आ गई। अब सीढ़ियों पे की तरफ आगे बढ़ो, उसके रेलिंग्स पर अपना हाथ रखो और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। आप फिर उसी दरवाजे तक आ गए। उस दरवाजे को खोलो, उस दरवाजे की दूसरी तरफ सिर्फ अंधकार है, अंतरिक्ष है। ऐसे लगता है जैसे मानो आप अंतरिक्ष में खड़े हो, आपके चारों तरफ टिम टिम करते हुए तारे हैं। अपने मन की आंखों से अपनी तीसरी आंख पर फोकस करो, अपने आप को उस अंतरिक्ष से आते हुए आपकी तीसरी आंख में धीरे 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 आकर समा जाने जाते हुए देखो। आपने देखा कि आप उस अंतरिक्ष से चलते हुए आए, उड़ते हुए, तैरते हुए, बहुत ही सुकून मिला आपको और आके एक बिंदु के समान छोटे से तीसरी आंख के अंदर समा गए। गहरी सांस लो, होल्ड करो, छोड़ो। एक बार और गहरी सांस लो अंदर, होल्ड करो, छोड़ो। एक बार और गहरी सांस, बाहर छोड़ो। एक बार और गहरी सांस, अब आपको धीरे धीरे आपके होने का, आपके शरीर का एहसास हो रहा है। अब आप
चाहो तो आंखें खोल सकते हो। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप चाहो मतलब मेडिटेशन कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप चाहो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, इट कुड बी वेरी प्राइवेट, बट इफ यू विश टू शेयर, यू आर मोस्ट वेलकम। कितने लोग Thank रोए? you. Outstanding. मैं बहुत ही अच्छा। Thank you मैम। Thank you so much मैम। बहुत रो रहा बहुत। हाँ। Thank you गिनी मैम। Thank you so much मैम। Welcome। Thank you so much। हाँ विजय बोलो। बोलो विजय। अपने हाथ पर क्या था? हमारे में सर। आज का मेडिटेशन तो माइंड ब्लोइंग, एकदम पूरा खो गए थे मैं। बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल आप जो बता रहे थे वैसे ही दरवाजे खोल रहे थे, लग रहा कि फिजिकली खोल रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। अब ये याद रखना कि जब भी आपको डर महसूस हो या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज महसूस हो, अपने अंदर वो जो बच्चा आपने देखा उसे ऐसे करके हक करना और बोलना आई लव यू। ओके, जब भी कुछ ऐसा महसूस हो आपको, किसी भी चीज का डर महसूस हो या ऐसा कुछ भी नेगेटिव चीज लगे, तो इमीजिएटली डू दैट। ओके, और वैसे तो अब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर कुछ और कहना है किसी को? बहुत ही रिलैक्स और एक हल्का सा फीलिंग हुआ और पॉजिटिव हुआ कि सब कुछ बिलीव सिस्टम में से निकल गया 100%। मेमोरीज मैम, वो जो अपने लोग थे जिन्होंने परेशान किया, को जिंदगी में कभी आई लव यू नहीं बोला, आज इतनी बार उनको आई लव यू बोला, पता नहीं सबके सब लोगों के कल कॉल तो आने ही वाले हैं फ्यूचर में। अल्टीमेट और रोना इसलिए नहीं आया कि इतना बुरा हुआ मेरे साथ, क्योंकि जिंदगी में मैं हमेशा खुद का कंटेम्पलेशन में लेके जाना, एनालिसिस, खुद सेल्फ के बारे में एनालिसिस करना, अपनी गलतियां ढूंढना, उसे सुधारना, ये सब तो किया है, तो वहां पर बैलेंसिंग था। रोना तो बस तभी आया कि ये जो जिंदगी की जो पुरानी सभी अच्छी यादें थी उसको भूल चुके थे। बिल्कुल बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है मैम। जब आपने बोला कि आप कुछ अच्छा देखो सोचो, मेरे को कुछ अच्छा ढूंढने से भी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर जब आपने अपने बोला ना बच्चे को देखो, उस अपने आप को देख के रोना आया मुझे थोड़ा सा यार। महसूस ऐसा हुआ कि ये मैं ही लव रिकॉर्डिंग नहीं, रोकी रुको 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 रुको।